गोरों की नकालों की दुनिया है दिलवालों की। और ये जो हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, यानी कि हमारा दिल साफ है, हम रंग काला है तो क्या हुआ, कहीं अंदर से तो सफ़ेद है। ये अमिताभ बच्चन का गाना है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। ये जब सानिया हुआ अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड वाला, तो मैं क्योंकि अमेरिका 40 स्टेट में मैं ट्रक आर्ट फैला चुका हूँ और भी लाइन अप हैं स्टेट मेरे साथ, तो उन दोस्तों को मैंने फेसबुक पे देने के लिए मैंने ये बनाई। मैंने सोचा चलो मैं अपने दोस्तों को अपनी तरफ से जो एहतजाज हो रहा है, तो मैं टायर वगैरह तो नहीं जला सकता, तो मैं अपने रंगों से एक एहतजाज थोड़ा सा रिकॉर्ड करवाता हूँ और अपने दोस्तों को भेजता हूँ। दोस्त मेरे खुश होंगे कि पाकिस्तान की तरफ से एक कलरफुल मैसेज आया, जो ब्लैक लाइव मैटर इसका हैशटैग मैंने लगाया, और दोस्त ये भी दोस्त बताते रहे जस्टिस, मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती, अदल इंसाफ वगैरह ये तो समझ में आती है, तो मैंने ये इसलिए फेसबुक पे देने के लिए उनको दोस्तों को देना था और उनसे शेयर करवाना था, तो इसलिए मैंने ये बनाया, फारिग था घर पर बैठा हुआ। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है ना, तो मैंने उर्दू में लिखा है। ये समझ लें कि गानों का ताल्लुक किसी मुल्क से या किसी उससे नहीं होता, आर्टिस्ट का ताल्लुक तो पीस अमन, समझ लें आर्टिस्ट होता है फाख्ता अमन की, तो समझ लें कि ये हमारी उर्दू ज़बान भी तो अपनी रंग दे रही है ना, अब अल्फाज हमारे गाव वाओ रे वाओ, ये हमारी उर्दू ही तो है, तो ये हमारा ट्रक आर्ट भी पाकिस्तान मैच कर रहा है ना सारा। इंग्लिश हमने इंटरनेशनल वालों के लिए पैगाम दिया है, वो लोग मोमबत्तियाँ जलाते हैं, हम लोग दिए जलाते हैं, फ़र्क सिर्फ ये होता है। तो अब दिए तो मैं नहीं बना सकता था, मुझे मोमबत्ती अच्छी लगी, उर्दू अच्छी लगी, तो मैंने अपनी अपनी ज़ुबान में दूंगा ना मैं। मुझे ये गाना बड़ा पसंद है बचपन से, गोरों की ना कालों की। मैंने पूरी कई मरतबा ये फिल्म देखी है, राजेश खन्ना की और मथन चक्रवर्ती की, तो डिस्को डांसर फिल्म का ये गाना है, बचपन से देखते थे। तो गोरों की नकालों की दुनिया है दिलवालों की, तो वो बड़ा एक, और फिर मैं अज़रबैजान गया, फिर मैं कजाकिस्तान गया, वहाँ पे हर टैक्सी वाले को ये गाना आता है, तो वो मेरे जहन में, क्योंकि ख़ुद भी मेरे जहन में, तो मैंने वो लिखा, ट्रिब्यूट पेश किया कि यार दुनिया को पैगाम इसी गाने के ज़रिए आता था, क्योंकि ट्रकों पे तो हमेशा शेर लिखते हैं अपनी तरफ से मिले जुले ड्राइवर कंडक्टर से लेके, और कभी कभी खुद भी बीच में कुछ डाल देते हैं, कभी अखबार से ले लेते हैं, कभी किसी बड़े शहर का ले लेते हैं, तो ये भी इसी तरह एक मिलता जुलता आ रहा था। तो मैंने कहा दुनिया दिल वालों की, जिसका दिल साफ़ है ना दुनिया उसकी है। और ये जो हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, यानी कि हमारा दिल साफ है, हम रंग काला है तो क्या हुआ, कभी अंदर से तो सफ़ेद है, तो इस तरह की बातें ज़रा डाली हुई बीच में। ये अमिताभ बच्चन का गाना है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, तो बड़ा अच्छा उनका गाना ज़बरदस्त था, तो मैंने उसको अपने, क्योंकि बैनुल अक़वामी हम आंगी में मैं इंडिया में भी काफ़ी काम कर चुका हूँ, और पाकिस्तान का नाम वहाँ पर मैंने दो दो महीने चलाया है, और ये समझ लें कि हमारी तरफ से एक जॉर्ज फ्लॉयड की मैंने कोशिश छोटी सी की है, इसकी कुर्बानी बहुत बड़ी है, मेरा काम छोटा है, बस अपने मुल्क की तरफ से मैं यही कुछ दे सकता था, टायर तो नहीं चला सकता था सीधी बात। दरपेश तो हर किसी को मसले आते कर, लड़कियों को रिश्ते नहीं मिलते गोरे काले की वजह से, फिर लड़कों को भी नहीं मिलते गोरे काले की वजह से, ये भी मसला बड़ा अहम है, फिर सबसे बड़ा अहम मसला कि अमीर गरीब पैसे वाला है ना ही पैसे वाला, तो काफ़ी चीज़ें हमारे माशरे में भी कर रही होती हैं, तो हमें ये जॉर्ज फ्लॉयड की जो कुर्बानी है इससे हो सकता है कि पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी इस इकदाम को उठाया जाए कि नस्ली तासुब, ज़बानी तासुब और मज़हबी तासुब से दूरी मिल सके।